एवरीवन, और आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल दाल फ्राई। मसूर दाल लिया था 2 कप, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बन रही है दाल फ्राई, और उसके लिए मैंने लिया बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, कूटा हुआ अदरक, करी लीव्स, मिर्चा, बारीक कटा हुआ मिर्चा, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ टमाटर। और हम डाल रहे हैं अब उसमें थोड़ा ऑयल गर्म होने के लिए, उसके बाद फिर हम डालेंगे जो हम अभी डाल रहे हैं लहसुन, बारीक कटे हुए लहसुन लिया था मैंने, वही डाला है मैंने। अब इसे तेल में थोड़ा पकाना है, उसके बाद फिर प्याज जाएगा, अभी मिर्ची डालें। अभी करी लीव्स, फिर करी लीव्स डालें, फिर उसको पकाना है। अब प्याज जाएगा, अब थोड़ा सा आपको डार्क दिखता होगा क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस। अब प्याज डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम में। देखिए ये हल्की ब्राउन कलर की हो गई है, इसको इतना करना है कि ये हल्की ब्राउन कलर की हो जाए। अब इसमें टमाटर डाल दी, जो बारीक कटी टमाटर थी वो मैंने डाल दी है, और इसमें थोड़ा नमक डाला है। देखिए ये कैसे ब्राउन टाइप का हो गया है, तब तक हम लोग को इसको चलाना है। अब इसमें जाएगा दाल, तो पहले दाल डाल के इसको अच्छा से भुनना है, उसके बाद में फिर आपको पानी डालना है। और देखिए ये अच्छा से मतलब भुना जाना चाहिए, एकदम अच्छा से मिक्स हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको पानी डालना। जब तक वो अच्छा से भुनाएगा नहीं तब तक आपको नहीं डालना है पानी। दाल भुनाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून आपको हल्दी डालना है। पहले हमने नहीं डाला, बाद में डाला, जब दाल मैंने भुन दिया उसके बाद में मैंने डाला। मीडियम हाई फ्लेम में इसको आपको अच्छा से भुनना है। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया, पानी मैंने 2 ग्लासेस डाला है, अब आपको अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये दूसरी ग्लास पानी, मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, मिला दिया है और ये मिक्स कर चुके हैं। कितनी अच्छी कलर आ गई इसमें और कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम ढक्कन ढक के 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम करके छोड़ देंगे उसको गलने के लिए, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद आप आके इतनी अच्छी कलर आ गई है। और अगर आपको जल्दी दाल गलाना है तो आप जब दाल भूनते हैं ना उसी टाइम आपको खाने की सोडा डालना चाहिए, डालेंगे तो बहुत जल्दी मतलब दाल गले। देखिए मैं मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया था इसलिए मैं अभी डाली हूँ। मैंने थोड़ा बस ना पिंच भर आपको खाने की सोडा डालना है जिससे दाल जल्दी, देखिए किस टाइप से इसमें बबल्स हो रही है, इससे बहुत जल्दी दाल गलती है। फिर इसको अब हम अच्छे से ढक्कन ढक के अब इसको गलने देंगे, अब बहुत जल्दी ही दाल गल जाएगी। अच्छे से पक गई, कितने अच्छे इसमें कलर आ गया है, येलो कलर। सो इस टाइप से ही हो जाएगा, और देखिए दाल कितनी जल्दी पक गई सोडा की वजह से। और देखिए इसको हम चम्मच से ही थोड़ा सा मैश कर ले रहे हैं अच्छे से, इसके बाद और देखिए इसमें कितनी अच्छी कलर आ गई, दिखने में ही इतना अच्छा दिख। इसमें अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती जो मैंने लिया था वो अब हम इसमें डालेंगे, उसके बाद इसको हम तड़का बनाएंगे तो उसको देखिए इसमें बॉयल आ गया, अब ये बन चुकी है, अब इसको हम गार्लिक करेंगे।